प्रकृति के भगवान हैं माता पिता। माता संतान को जन्म देती है, पिता उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। माँ 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को धारण करती है और जन्म के पश्चात प्रेम करुणा ममता और वात्सल्य से संतान को सींचती है। जब तक माँ का प्राणांत नहीं हो जाता तब तक वह संतान का हित चाहती है। तभी तो कहते हैं माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। माता पिता इस धरती के भगवान हैं, बच्चे ही माता पिता के अरमान हैं। जब पौधा बोया जाता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वह अपना फल और छाया अन्य लोगों को देगा। लेकिन जब वह पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता, कोई उस वृक्ष की ओर ध्यान नहीं देता जिसने पूरी जिंदगी दूसरों का ही हित सोचा। यह एक पेड़ की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो उम्र के बढ़ते पड़ाव में परिवार द्वारा वृद्धाश्रम में धकेल दिए जाते हैं। उन्हें अपने परिवार से ही दूर रहने पर विवश कर दिया जाता है। वृद्ध होने के पश्चात इंसान को कई रोगों का सामना करना पड़ता है, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। यह हमारी जिंदगी का एक सच है। जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा होना होगा और इस सच से उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी हम बूढ़े लोगों पर अत्याचार करते हैं। हमें समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य विरासत होते हैं। आदि काल से चली आ रही भारत की शाश्वत परंपरा में निहित माता पिता वृद्ध जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना वर्तमान की भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव से लुप्त प्राय सी हो गई थी। जिस तरह समाज सुधार के लिए समय समय पर हमारे महापुरुषों ने अनेक परोपकारी कार्य किए, ठीक उसी प्रकार समाज में फैले हुए अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया आध्यात्मिक जगत के गौरव युग ऋषि श्री सुधांशु जी महाराज ने, जिन्होंने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की और श्रद्धा पर्व जैसे महान पर्व को संचालित कर समाज सुधार के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। आज समूचे विश्व में हजारों लाखों परिवारों में तथा सामूहिक रूप से मिशन के विभिन्न मंडलों में यह पर्व प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। माता पिता वृद्धजन एवं वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और सम्मान को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वृद्धों के सम्मान और सेवा के ईश्वरीय संदेश को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1997 को पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धा पर्व के पुण्यमय त्योहार की प्राण प्रतिष्ठा की थी। श्रद्धा पर्व की शुरुआत कर महाराज श्री ने घर परिवार और समाज में प्रेम सद्भाव सम्मान के दैवीय वातावरण का सृजन कर दिया था। महाराज श्री ने श्रद्धा पर्व प्रारंभ कर उन वृद्ध माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों का खोया हुआ सम्मान लौटाया जो वास्तव में सम्मान पाने के हकदार हैं। वर्तमान भारतीय परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण जो परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों के कारण हमारे समाज में जहां संयुक्त परिवार प्रणाली की जगह व्यक्तिवाद की भावना ने जन्म लिया,
जिससे घर परिवार के सदस्यों में दूरियां बढ़ने लगी व लोगों की सोच स्वयं की सुख सुविधा तक सीमित हो गई। यहाँ तक कि संतानें अपने माँ बाप से भी दूर होने लगी। जिन माँ पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए स्वयं के सपने त्याग दिए, अपनी खुशियाँ बच्चों के खुशहाल भविष्य में देखने लगे, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए खुद का जीवन जीने लगे। लेकिन जब बच्चों के सपने पूरे हुए तो बच्चों ने माता पिता के सपनों का महल एक झटके में ध्वस्त कर दिया। माँ बाप अपने ही घर में बेगाने बन गए, बेटे बहू का अपना नया संसार बस गया। जिसे कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाई, वही किसी एक कमरे में बंद होकर बैठे रहने को विवश कर रहा है। यह कैसी विडंबना है, जाएं तो जाएं कहां, कहें तो किससे कहें, रहें तो किसके पास रहें। ऐसे में माता पिता के हृदय को गहरा आघात लगता है, पर करें तो क्या करें। माता पिता स्वयं संतान के लिए भगवान होते हैं, तभी तो भगवान की प्रार्थनाओं में सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता और तुम ही पिता हो कहा गया है। माता पिता वृद्ध वरिष्ठ जनों के अपनों द्वारा किए गए अपमान को देखते हुए पूज्य महाराज श्री ने श्रद्धा पर्व मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया और इस पर्व को वैचारिक एवं व्यवहारिक क्रांति के रूप में प्रचारित व प्रसारित किया। महाराज श्री कहते हैं कि हम पितरों की स्मृति में 15 दिन श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध मनाए पर जीवित माता पिता की सेवा सम्मान में श्रद्धा पर्व जरूर मनाएं और यह पर्व सिर्फ एक ही दिन उत्सव रूप में हो ऐसा नहीं, बल्कि हर दिन माता पिता की सेवा सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके पास बैठें और कोई कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उनसे अनुमति एवं आशीर्वाद लें। परम पूज्य सदगुरुदेव ने वृद्ध जनों की पीड़ा को महसूस किया, भटकती युवा पीढ़ी को देखा, वृद्ध जनों की चिंता उदासी बेचैनी का अनुभव किया, अपनों के बीच पराया बनकर रहने की घुटन का एहसास किया और माता पिता व वृद्ध जनों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए इस पर्व की स्वर्णिम शुरुआत की। पूज्य सदगुरुदेव जी श्रद्धा पर्व के माध्यम से समाज को निरंतर नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी द्वारा प्रतिष्ठित श्रद्धा पर्व कोई दिखावा नहीं है, प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह तो आंतरिक प्रेम की विशालता का सतत प्रवाह है। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से हर वर्ष 2 अक्टूबर को मिशन के देश एवं विदेश के सभी मंडलों में श्रद्धा पर्व मनाया जाता है। महाराज श्री के सानिध्य में हर वर्ष देश समाज के ख्याति प्राप्त वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाता है और युवक युवतियां श्रद्धा पर्व के कल्याणकारी संदेश को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। महाराज श्री का पावन उद्बोधन है कि एक दिन प्रतीक रूप में श्रद्धा पर्व मनाएं, लेकिन प्रतिदिन माता पिता व अन्य बुजुर्ग परिजनों के चरण स्पर्श करना, सुबह शाम उनसे बातें करना, उनकी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, उनको अपने हाथों से दवाइयां खिलाना, समय समय पर उनकी इच्छा अनुसार भ्रमण कराना और यदि दूर रहते हों तो उनसे दूरभाष पर वार्तालाप करना न भूलें। ये मानवीय सद्गुण हैं, जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में अपार खुशियों का उदय होगा। श्रद्धा पर्व से घर परिवार समाज व राष्ट्र में भारतीय संस्कृति के पारंपरिक मूल्य पुनः वापस लौट रहे हैं। घरों में प्रेम सद्भाव स्नेह और सम्मान के परिवेश का सृजन हो रहा है। इस प्रकार श्रद्धा पर्व मनाने के पीछे गुरुदेव का
समाज के नव निर्माण, उत्थान एवं उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना का महान उद्देश्य है। उनका विचार है कि यदि हम पारस्परिक सद्भाव, प्रेम एवं स्नेहील वातावरण से परिपूर्ण एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें महत्व देना होगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज का कहना है कि माता पिता या परिवार का कोई बुजुर्ग आपके साथ रहता है तो आप सच्चे दिल से उनकी सेवा करिए। महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे सलाह लें। माता पिता और बुजुर्गों द्वारा दिए गए आशीर्वादों में बहुत शक्ति होती है। उन आशीर्वादों से शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक संपन्नता आती है। जब आपकी संतान आपको अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखेगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी। वृद्ध लोगों की सेवा सर्वोत्कृष्ट मानवीय कार्य है। सेवा, कृतज्ञता और सद्भावना की सुगंध जीवित और मृत दोनों जीवों को तृप्त करती है। सेवा, संतुष्टि, सद्भावना, दुआ तथा उपकार फलदायी होते हैं। प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से सजे हाथ सदैव भक्तों के साथ रहते हैं। जब भी कोई भक्त मुसीबत में होता है, दुख, पीड़ा और संताप से संतप्त होकर उसका दिल रोता है, तब पूज्य श्री के कल्याणकारी आशीष से भक्तों के मुख पर मधुर मुस्कान बिखरने लगती है। महाराज श्री की यही सोच है कि देश के वरिष्ठ जनों और वृद्धों को संरक्षण देकर उन्हें वो सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। आनंद धाम आश्रम दिल्ली में, अमृत धाम आश्रम हैदराबाद, दिव्यलोक आश्रम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एवं श्री सोमनाथ धाम आश्रम पानीपत में संचालित किए जा रहे हैं। महाराज श्री का कथन है, वृद्धाश्रम या वानप्रस्थाश्रम खोलकर उन्हें संचालित करने से मेरा उद्देश्य 100-200 वृद्धों को उनमें संरक्षण देकर उनका पालन पोषण करना नहीं है, अपितु मैं तो चाहता हूँ देश भर के 16 करोड़ से अधिक वृद्धजन या वरिष्ठजन हैं, वे हमारे वृद्धाश्रमों एवं वानप्रस्थाश्रमों को उस आयुकाल की एक प्रयोगशाला माने और वहां से स्वर्णिम जीवन संध्या का सार लेकर अपने घर में ही उस प्रकार का सुखद जीवन जीने का प्रयास करें। युवाओं का भी ये दायित्व है कि वे उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक सहयोग के साथ साथ भावनात्मक सहयोग दें, जिससे वे स्वयं को उपेक्षित, अपमानित न महसूस करें। पूज्य वर श्री सुधांशु जी महाराज का मानना है कि श्रद्धा, कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का मेरुदंड है। ये भाव निकल जाए तो समस्त धार्मिक और सेवा की क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना भी फलदायी नहीं होता। जो संतानें श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता तथा बुजुर्गों की सेवा करती हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप श्रद्धा पर्व अवश्य मनाएं।